अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक एनुअल रिज़ल्ट 2021 डॉक्टर्स एकेडमी होगा, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इस साल डॉक्टर्स एकेडमी बखर ने पहले की तरह सरगोधा बोर्ड में कितनी पोजीशंस हासिल की हैं और स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। जबकि दूसरे हिस्से में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर्स एकेडमी बखर ने मैट्रिक और इंटर क्लासेस के लिए सिलेबस को किस तरह तरतीब दिया है। आप बखूबी जानते हैं कि हमने 2022 को तो वेलकम कर लिया, लेकिन आपको इसमें ये बताया जाएगा कि हम तमाम तर इसके चैलेंजेस किस तरह कबूल करेंगे। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, एनुअल रिज़ल्ट 2021 अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स एकेडमी बखर ने पहले की तरह अपनी पोजीशंस को बरकरार रखा और सरगोधा बोर्ड में 29 पोजीशंस हासिल की हैं, जिसमें फर्स्ट 8 पोजीशंस, सेकंड 12 पोजीशंस और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलबात की तादाद 9 है। ना सिर्फ सरगोधा बोर्ड में डॉक्टर्स एकेडमी ने इतनी पोजीशन हासिल की हैं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में तलबा तलबात ने 90+% मार्क्स भी हासिल किए हैं। मैट्रिक क्लासेस में तकरीबन 500 स्टूडेंट ने 90+% हासिल की है और इंटर क्लास में 300 स्टूडेंट इस रेशो से कामयाब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं, ये तमाम तर कामयाबियाँ टीम डॉक्टर्स एकेडमी की बदौलत हासिल हुई हैं और इस तमाम तर कामयाबियों पर मैं डॉक्टर्स एकेडमी बखर को खराज तहसीन और सलूट पेश करता हूँ। साल 2021 शानदार रिज़ल्ट, इतनी शानदार कामयाबियाँ ऐसे हासिल नहीं हो जाती। इन शानदार कामयाबियों के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पूरा साल बैठ के प्लानिंग करनी पड़ती है। पूरी टीम डॉक्टर्स एकेडमी प्लानिंग करती है कि किस तरह हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने के मौके मुयस्सर करने हैं। डॉक्टर्स एकेडमी बखर के तलबा व तलबात की कामयाबी की एक वजह ये भी है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ आर्ट सब्जेक्ट को भी बराबर इक्वल अहमियत दी जाती है और इस तरह ये रिज़ल्ट हासिल होते हैं। इसके अलावा जहाँ सबसे ज़्यादा तैयारी होती है, वहाँ 7 से 8 किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं। डॉक्टर्स एकेडमी इवनिंग कोचिंग सिस्टम अपनी मिसाल आप है। अपनी रेगुलर क्लासेस के साथ साथ 7 से 8 किस्म के टेस्ट का इनेकाद करती है। सबसे पहले क्लास में क्लास टेस्ट लिया जाता है, जो टीचर्स अपने टॉपिक अपने चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ले रहे होते हैं। इसके बाद वीकली टेस्ट का इनेकाद होता है। वीकली टेस्ट के बाद अगला मरला हमारा मंथली टेस्ट का होता है, जो अकेडमी ऑफिशियली तौर पे लेके पेरेंट्स को रिपोर्ट कर रही होती है। जो ही 3 मंथ कंप्लीट होते हैं, हमारा ग्रैंड टेस्ट होता है। ग्रैंड टेस्ट 3 मंथ में ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस कवर होता है। अगर स्टूडेंट्स घर में बैठे हैं, घर में स्टडी कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स एकेडमी ऑनलाइन सिस्टम पे चली जाती है। ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ डॉक्टर्स एकेडमी ग्रैंड टेस्ट सेशन का भी आखिर में इनेकाद करती है। ग्रैंड टेस्ट सेशन के साथ साथ उसके अंदर और कई किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं, जिनमें हम फर्स्ट हाफ बुक, सेकेंड हाफ बुक, ICT इम्पोर्टेंट चैप्टर टेस्ट और क्वार्टर टेस्ट के साथ साथ आखिर में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मार्क्स अचीव करने में, जो कि हमारा MST टेस्ट है, मल्टीपल शॉट टेस्ट। तो इस तरह स्टूडेंट इतने सारे टेस्ट लेने के बाद ये इतनी कामयाबियां हासिल होती हैं। और अगर हाँ कोई कमी रह भी जाती है, जब टेस्ट सेशन कंप्लीट हो जाता है तो स्टूडेंट उसको मुकम्मल रिवाइज कर लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आपको डॉक्टर्स एकेडमी के सिस्टम और स्ट्रक्चर का तारुफ कराएंगे और इस हिस्से में हम आपसे इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि साल 2022 के कैलेंडर को डॉक्टर्स एकेडमी ने किस तरह तरतीब दिया है, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। इसके अलावा आप ये बात भी बाखूबी जानते हैं कि आपके पेपर्स स्मार्ट सिलेबस से नहीं हो रहे, बल्कि पूरे सिलेबस से होंगे। और इसके साथ साथ आपको इस बात का भी अंदाज़ा है कि आपके सालाना इम्तिहानात मई और जून 2022 में होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैट्रिक क्लासेस के सिलेबस को फरवरी और इंटर क्लासेस के सिलेबस को मार्च 2022 में कंप्लीट कर रहे होंगे। अब हम मैट्रिक और इंटर क्लासेस के सिलेबस को और तालीमी कैलेंडर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं,
कोरोना की चौथी लहर के बाद जब डॉक्टर्स एकेडमी इवनिंग कोचिंग सिस्टम अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ तो बकायदा पूरा मंथ सिलेबस को पढ़ाया गया। पूरे मंथ सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद मंथ के एंड पे टेस्ट लिया गया। जो ही हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ था, आप अच्छी तरह जानते हैं, तमाम पेरेंट्स को उसकी रिपोर्ट की जा चुकी है। इसी तरह नवंबर 2021 के आखिर में भी मंथली टेस्ट का इनाकाद हुआ। नवंबर के दौरान जब क्लासेस चल रही थी, क्लास टेस्ट और वीकली टेस्ट होते रहे और तमाम तर रिजल्ट की रिपोर्ट वालदेन तक पहुंच चुकी है। दिसंबर 2021 के टेस्ट का इनाकाद जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगा और क्लास टेस्ट और वीकली टेस्ट लिए जा चुके हैं। एक बात याद रखना, दिसंबर टेस्ट 2021 के बाद डॉक्टर्स एकेडमी इवनिंग कोचिंग क्लासेस की स्टडी हाई लेवल पर हो रही होगी और टीम डॉक्टर्स एकेडमी की ये कोशिश होगी कि अपना सिलेबस बर वक्त कम्प्लीट कर सके। जनवरी 2022 के आखिरी हफ्ते में डॉक्टर्स एकेडमी ब्रांड अवार्ड 2021 का इनाकाद करेगी, जिसमें पोजीशन होल्डर और अच्छे मार्क्स हासिल करने वाले तुलबा व तुलबात को इनामात, मेडल्स और शील्ड से नवाजा जाएगा। इसके बाद फरवरी 2022 में हम मैट्रिक क्लासेस के सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे, जबकि इंटर क्लासेस के मंथली टेस्ट का इनाकाद होगा। मार्च 2022 में बड़े शानदार तरीके से मैट्रिक क्लासेस का ग्रैंड टेस्ट सेशन जारी होगा, जबकि हम इंटर क्लासेस के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रैंड टेस्ट सेशन में तमाम तुलबा व तुलबात की बड़े अच्छे तरीके से तैयारी होती है और ग्रैंड टेस्ट सेशन के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि एक दफ़ा जो भी क्लास हो दोबारा नए सिरे से शुरू हो रही होती है और उसमें तमाम तर तैयारी एंड तक जो ही बच्चे तमाम कंप्लीट करेंगे वो मुकम्मल होती है। ग्रैंड टेस्ट सेशन में चैप्टर वाइज टेस्ट का इनाकाद किया जाता है। सबसे पहले आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे होंगे, जो ही चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट होंगे आईसीटी टेस्ट का इनाकाद होगा। आईसीटी इंपॉर्टेंट चैप्टर टेस्ट, पहले हिस्से में इंपॉर्टेंट चैप्टर टेस्ट का कंप्लीट टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद हम फर्स्ट हाफ बुक की तरफ जाएंगे। फर्स्ट हाफ बुक जो ही हमारी कंप्लीट होगी, हम चैप्टर जो ही 6, 7, 8, 9 चैप्टर पे सेकंड हाफ बुक की तरफ जा रहे होंगे, वो हमारे कंप्लीट होंगे, तो हम फुल बुक 1 FLP और FLP 2 फुल बुक 2 का इनाकाद होगा। इस तरह इंशाल्लाह हमारे तुलबा व तुलबात की 100% तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। जो ही ग्रैंड टेस्ट सेशन कंप्लीट होगा तो मई 2022 मैट्रिक क्लासेस और जून 2022 में इंटर क्लासेस के सालाना इम्तिहानात हो रहे होंगे। आखिर पर यही कहूँगा, कामयाबी का ये सफ़र डॉक्टर्स एकेडमी हमेशा की तरह बरकरार रखने की कोशिश करेगी और अपने तमाम तर रिकॉर्ड्स और एजाजात भी इसी तरह जारी रखेगी और इसी तरह इंशाल्लाह डॉक्टर्स एकेडमी बखर, बखर के वालदैन और तुलबा व तुलबात के इत्माद पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, साल 2022 को हम वेलकम भी कर चुके हैं, आप भी आएँ, डॉक्टर्स एकेडमी के इस मुनज़म सिस्टम का हिस्सा बने और कामयाबियां समेटें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।